बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द आई एस एंड पी सी एस एंड ऑल्सो बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द आई ई एस एंड पी सी एस तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पे ठीक है छोटी सी डिस्कशन है वो भी इसलिए बिकॉज एक आज ही मेरे साथ स्टूडेंट की बात हो रही थी और वो ये बोल रहे थे कि मैम एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं ठीक है तो क्या मैम पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी बहुत टफ़ है ठीक है पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा या मैम ऐसे या टाइम वेस्ट ना हो जाए कहीं तो आप पहले ही बता दो तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड किया जाए कि हाँ जी पंजाब सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम टफ़ है रियलिटी में टफ़ है या फिर एक बस हाइप बनती जा रही है ठीक है तो उसी पर बात करते हैं तो सीयर स्टूडेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपकी कभी भी आउट हो सकती है यू ऑलरेडी नो दैट ठीक है 2024 में आपका एग्जाम होना है ये श्योर है ठीक है तो श्योर है तो इस बात पे हम थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं कि क्या पंजाब सिविल सर्विसेज रियल में डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है या फिर आसान है इस पर बात करते हैं तो बात करने से पहले स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको चन्नी के पहाड़ पे चढ़ा दूँ कि नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप बस कर ही ले जाओगे ठीक है कुछ नहीं करना बस दो चार किताबें पढ़नी है पेपर हो जाएगा नहीं वो फिर इस इंस्टीट्यूट इस का ऐसा फंडा नहीं है और ना ही हम ऐसे स्टूडेंट्स को मिस इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो रियलिटी चेक पे बात करते हैं इन रियलिटी एग्ज़ाम क्या है किस तरीके का है ठीक है और अगर वो डिफ़िकल्ट है तो उसको ईजी कैसे करना है अपने अकॉर्डिंग और अगर एक न्यू चैलेंज आया तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है ठीक है तो इस इसपे बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं न्यू चैलेंजेस की देखो नो डाउट अबाउट दैट कि न्यू चैलेंजेस आपके अपकमिंग एग्जाम में आने ही वाले हैं ठीक है चैलेंज तो होंगे बिकॉज आप अगर आप 2012, 15, 18, 20, 20 अगर आप पेपर देखो तो हर बार पेपर का लेवल बढ़ रहा है है ना तो अभी एग्जाम हुए टाइम भी काफी हो गया है दो तीन साल हो गए हैं स्टूडेंट्स सो दैट्स वाई ऑब्वियसली जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो तो वो चेंज करेंगे ही करेंगे है ना अकॉर्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस ठीक है तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है ठीक है ओके तो यहाँ पे न्यू चैलेंज तो स्टूडेंट आएंगे ही आपके सामने तो माइंडसेट स्टूडेंट एग्जाम को लेकर हमेशा ऐसे होना चाहिए उससे डरना नहीं है ठीक है डरने वाली कोई चीज नहीं है ठीक है हर पर्सन की कैपेबिलिटी होती है स्टूडेंट ठीक है जैसे आप हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है आप अपनी डेली लाइफ में देखिए एक टाइम था जब किसी के पास फोन नहीं था फिर सबके पास एंड्रॉयड फोन आए ठीक है सबके पास सबसे पहले वो दूसरे आए की पैड वाले आए फिर हम एंड्रॉयड पे आए एंड्रॉयड से हम आई फोन पे आ गए आईफोन से आगे भी अब तो पता नहीं कितने कितने अच्छे अच्छे फोन आ गए तो क्या आपने उनको चलाना नहीं सीखा आपने चलाना सीखा है ना किसी टाइम पे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा आपने उसको चलाना सीखा ठीक है अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप धीरे धीरे क्या करते हो ग्रेजुअली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो आप उसमें आप उसमें स्पीक अप, स्पीक करना स्टार्ट कर देते हो तो ये क्या है आपके सामने एक न्यू चैलेंज आया आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपने उस पर वर्क किया तो सेम चीज स्टूडेंट एग्जाम के साथ भी एग्जाम में न्यू चैलेंज आएंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप उनको एक्सेप्ट करके आप क्या करोगे उनके लिए अपना माइंडसेट और अपनी प्रिपरेशन करोगे राइट right? ये नो सेकेंड स्टूडेंट अनप्रडिक्टेबल एग्जाम पैटर्न बिल्कुल है स्टूडेंट जैसे आप यूपीएससी में देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक होता जा रहा है. है ना और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम रहते हैं ना स्टूडेंट वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं यूपीएससी से भी ज्यादा अनप्रडिक्टेबल रहते हैं बिकॉज आप देखिए 2018 तक पेपर स्टैटिक पोर्शन से आता रहा फिर पंजाब सिविल सर्विसेज का 2020 में पेपर पेपर आया और ट्वेंटी मेंसेंट जो पेपर था वो उन्होंने करंट अफेयर से पूछ लिया परसेंट तक अनप्रडिक्टेबल तो ही था इतना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा करंट अफेयर आ जाएगा ये सुन लो तो इस चीज के लिए भी आपको क्या रहना है रेडी रहना है दूसरे मोर अलाइन टुवर्ड्स यूपीएससी मैंने कई बार क्लास में भी ये बात की है कि जो हमारा एग्जाम है राइट जो हमारा एग्जाम है कौन सा यूपीएससी एग्जाम जो है वो पहले से अलाइन है टुवर्ड्स द यूपीएससी ठीक है बट स्टूडेंट ये सोच लेना एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है टफ है तो फिर आप गलत हो ठीक है एज ए मेंटर एज ए फैकल्टी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि एग्जाम टफ है मैं आपको जो मैंने पीछे बातें बोली कि जी चैलेंजेस हैं अनप्रिडिक्टेबल है मोर अलाइन टुवर्ड्स यूपीएससी ये चीजें है फैक्ट है ये बट मैं ये नहीं बोल सकती कि पीपीएससी का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट है क्यों क्योंकि अगर बाकियों के साथ कंपेयर करो तो दो एडवांटेज अभी भी आपके पास हैं पीपीएससी को लेकर पहली नो नेगेटिव मार्किंग अभी तक एग्जाम में ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हां जी आने वाले पीसीएस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव मार्किंग तो यहां पे अभी तक नहीं है सेकंड क्या है नो no ऑप्शनल कोई ऑप्शनल नहीं है यहां पे एज जस्ट लाइक अवर यूपीएससी यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल पेपर रेडी करना पड़ता है यहाँ पे आपको वो रेडी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है सो नो ऑप्शनल पेपर तो कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन एच सी एस देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज देखिए इसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको रेडी करना है आप और एग्जाम देखिए उनमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है बट पीसीएस के अंदर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है सो so दूडेंट अभी भी आपके पास दो एडवांटेज जो है वो पीसीएस को लेकर डेफिनेटली हैं ठीक है थीके? तो यहां पे स्टूडेंट करने की क्या नीड है नीड क्या है आपको एग्जाम को डिफिकल्ट बनाना नहीं है अपने आप को खुद को क्या करना है एक्सेप्ट द चैलेंज चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए स्टूडेंट जो भी आपके सामने न्यू चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए प्रिपेयर योर एग्जाम प्रिपेयर योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू द डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड अब पुराने तरीकों की तरह अगर आप एम सी क्यू सॉल्व करने बैठोगे जैसे मैं बता रही थी आपको पहले अगर इससे पहले वाली आपने पीसीएस की मेरी मैंटरिंग की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है इवन हमने पी वाई क्यू में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से ऑप्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं

आपको हैंडल करना आना चाहिए स्टूडेंट जब आप एग्जाम में बैठते हो तो अगर अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम आया एग्जाम डिफिकल्ट है तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस या वरी नहीं होना है अपने आप को कूल एंड काम रहकर अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करना है ठीक है ये बात जो है स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है ठीक है समझ में नहीं आती उनको वो इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी पेपर में बैठ के बस एग्जाम को दे के घबरा जाते हैं कि भाई हमने तो नहीं पढ़ा इतना सब कुछ पता नहीं कहाँ से आ गया और हाथ पैर फूल जाते हैं वो चीज भी नहीं करनी और वो स्टूडेंट तभी होगी जब आप अपना माइंड सेट तैयार करके बैठोगे पहले से आप अप अपना माइंड सेट तैयार करके बैठो कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया मुझे घबराना नहीं है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है ठीक है ऐसा नहीं सोचना कि यार तीन साल बाद पेपर आया था ये भी गया मेरे हाथ से अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला मैंने तो पिछले दो साल से पीसीएस की तैयारी की थी सिर्फ पी ही टारगेट किया था है ना तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना है ठीक है स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना न्यू चैलेंज के अकॉर्डिंग क्या करना है एम सी क्यू अटैम्प्ट करना है पेपर अटैम्प्ट करना है ठीक है उन एम सी क्यूज को प्रैक्टिस कीजिए जो इस टाइम पे हमारे न्यू चैलेंजेस जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है ना उस तरीके से अपने आप को रेडी कीजिए सी सेट पहले भी डिफिकल्ट आए तो सी सेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए उसकी ठीक है ओके तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है स्टूडेंट ना कि घबराना है ना कि आपको एग्जाम को छोड़ देना है तो कंक्लूजन क्या है आज के सेशन का क्या कंक्लूजन है स्टूडेंट कंक्लूजन ये है स्टूडेंट एग्जाम इज नॉट अ टफ एग्जाम टफ साइड नहीं है ठीक है न्यू चैलेंजेस को आपको क्या करना है एक्सेप्ट करना है यहां अपनी प्रिपरेशन को आपको इस तरीके से लेके जाना है ठीक है और उसके तरीके क्या है वेल प्लानिंग वेल प्लानिंग के साथ पढ़िए अनप्लैंड तरीके से बिल्कुल मत पढ़िए ठीक है मोर एंड मोर रिवीजन रिवीजन आपकी फुल टू फुल होनी चाहिए टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज जो है वो आपको आपकी माइंड आपको रेडी करती है ठीक है क्योंकि उस हिसाब से आप अटेम्प्ट आप करना कि आपको हैबिट हो जाती है आप हैब्यूचुअल हो जाते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपका पेयर वन पेयर टू अगर ऐसे आ रहा है तो आपको किस तरीके से उन को हैंडल करने थीके? कम से कम क्वेश्चन को गलत करने तो उनका यही है बस यही है और क्या है बस और कुछ नहीं है स्टूडेंट ठीक है तो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बस आपको क्या करना है अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली फोकस के साथ वेल well प्लानिंग के साथ क्या करना है प्रिपेयर करना है ठीक है जी ओके यस और नो ठीक है जी ओके okay, ओके okay. तो ठीक है स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन ठीक है जी इस बात पे आप गौर करेंगे ठीक है एंड आई होप कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है ठीक है और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट है ठीक है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच डे